हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक शॉर्ट्स। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा या काफ़ी बार आपने सुना होगा, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका एग्जैक्ट मतलब जो है वो पता नहीं होगा, इसलिए मैं आज इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रिकल डाउन मतलब क्या कि ऊपर से शुरू होकर जो नीचे तक परकोलेट कर जाए, नीचे तक पहुँच जाए। तो इकोनॉमिक्स में ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या क्या होता है, क्या आप समझते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट से? ट्रिकल डाउन थियोरीज क्या कहते हैं कि अगर आप बड़ी कंपनीज को, रिच इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेशन को, कंपनीज को कोई बेनिफिट देते हैं, जैसे कि टैक्स कट आपने दिया, टैक्स में कोई कंसेशन दिया, तो उसकी वजह से जो उनकी इनकम इंक्रीज हुई इन टैक्स बेनिफिट्स देने की वजह से, कोई और कोई छूट देने की वजह से, तो वो अल्टीमेटली जो है जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड यानी कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उन तक ये बेनिफिट पहुंचता है। इसी को वो कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अब ये कैसे पहुंचता है उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि आपने मान लीजिए कोई टैक्स कट दिया है ना, तो जो इनकम बढ़ी रिच इंडिविजुअल्स की या कंपनीज की, तो वो क्या करेंगे उस वेल्थ को है ना, वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या स्पेंड करेंगे इकोनॉमी में। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो क्या होगा, जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं है ना, जो बिल्कुल मजदूर तबके का लोग है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी है ना। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो फायदा है वो नीचे तक पहुंच गया, और जब जॉब्स क्रिएट होती हैं तो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। ये जो मजदूर हैं ये क्या करेंगे, गुड्स सर्विसेज डिमांड करेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर से क्या होगा, फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में, तो एक मल्टीप्लायर वो इफेक्ट होता है। वो कहते हैं इससे सरकार को भी फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि जब जॉब्स क्रिएट होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, तो क्या होता है, जो टैक्स रिवेन्यू है सरकार का वो भी बढ़ता है। जब कंपनीज को प्रॉफिट होगा तो उसका जो टैक्स जो है उनको भरना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल्स है जिनकी इनकम बढ़ रही है वो भी इनकम टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है ना, और जो लोअर तबके का आदमी है उसको भी फायदा हो रहा है क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना, उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो वो भी डिमांड जनरेट कर रहा है, डिमांड जनरेट हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा है ना। तो वो कहते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, तो वो जस्टिफाई करते हैं कंसेशन को, टैक्स बेनिफिट्स को, कि कंपनीज को ये सब देना चाहिए। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी जो कहती है कि टैक्स कट्स ऑन रिच पीपल और कॉरपोरेशंस वर्क बेटर देन जनरल टैक्स रिडक्शन अक्रॉस द बोर्ड, कि आप सबका टैक्स रिड्यूस मत करिए, आप ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, रिच इंडिविजुअल्स हैं, इनके टैक्स कट्स करिए, क्योंकि ये ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं सभी के लिए, इकोनॉमी के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन लोगों के लिए भी। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच से आप क्या समझे कि अगर रिच इंडिविजुअल्स कंपनीज कॉरपोरेशंस को किसी तरह का बेनिफिट प्रोवाइड करती है सरकार, जैसे कि कैपिटल गेन्स टैक्स पे छूट देती है, उनके किसी तरह का टैक्स बेनिफिट देती है, तो वो उसका जो फायदा मिला है वो धीरे धीरे परकोलेट होके के बॉटम ऑफ द पिरामिड यानी कि पुअर लोगों तक पहुंचता है, और इसका फायदा पूरी इकोनॉमी को मिलता है, इसीलिए वो इन टैक्स कट्स को जस्टिफाई करते हैं। तो ये था ट्रिकल डाउन का कॉन्सेप्ट। Thank you so much, friends.